नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दरअसल आज 12:30 बजे प्रधानमंत्री ने लाइव आकर किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। जैसा कि आपको पता होगा, किसानों के खाते में 10वीं किस्त पहुंचाई जाने वाली थी और इसको लेकर जो तारीख थी वो 1 जनवरी 2022 थी। आज 12:30 बजे प्रधानमंत्री लाइव आए और उन्होंने सभी किसानों के खातों में 10वीं किस्त पहुंचा दी है। आंकड़ों की बात करें तो 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे अगर आपका भी नाम लिस्ट में है तो आपको भी रुपए मिलेंगे। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप एजुकेशन इंडिया पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही वीडियोज अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त किस किस किसान के खाते में आई है। ऐसे में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपको लिस्ट देखनी है तो आपको आ जाना होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपके सामने अभी खुली हुई है, pmkisan.gov.in। जैसे ही आप अपने ब्राउजर में ये टाइप करेंगे आप सीधा इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर फार्मर्स कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख पाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन। ये आपको हम जूम करके दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बेनिफिशियरी लिस्ट के ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा आपका राज्य, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और विलेज। ये तमाम जानकारियाँ भरने के बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। अगर हम आपको उदाहरण के तौर पर किसी भी एक स्टेट के किसी भी जिले के यहाँ पर गांव को भरते हैं तो हमारे सामने एक यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। आइए आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से लिस्ट आती है। तो यहाँ पर हमने किसी भी एक गांव की यहाँ पर रिपोर्ट खोल दी है। इस प्रकार से जो आपके सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें अगर आपका नाम है तो आपको यकीनन 2,000 रुपये यानी कि 10वीं किस्त मिल जाएगी। अब अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि आपको रुपए क्यों नहीं मिले हैं तो ऐसे में आपको फिर बैक आ जाना है और इसी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है जो कि पहले पेज था उसी पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन है। या तो आप आधार नंबर से देख सकते हैं, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस देख सकते हैं। मोबाइल नंबर से सबसे इजी रहेगा तो इसी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल के गेट डेटा के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा एक फॉर्म आएगा जिसमें सभी किस्तों के बारे में आपको डेटा बताया जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको जानकारी दे दी है 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कैसे चेक करना है, कहां से चेक करना है, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी अन्य जानकारी के साथ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी ऐसी ही कुछ बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ। धन्यवाद।